Good morning, students. Today in the class, I will teach you 11th class poem, Father to Son. Okay? Father to Son by Elizabeth Jennings. So first, I will tell you about the poet. Elizabeth Jennings is a British poet of the modern age. And her lifespan is 1926 to 2000. One, her works relate to social issues. सामाजिक मुद्दों पे उसने अपने जो पोइट्री लिखी है, तो यहाँ पर एक इस पोइम में फादर और सन के बीच में सोशल रिलेशनशिप, सोशल गैप, जनरेशन गैप को शो कर रही है. तो आप इस पे ध्यान करेंगे. ओके, आई स्टार्ट नाउ. देखो, पोइम का फर्स्ट स्टेंज स्टार्ट होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, येट हैव आई किल्ड द सीड. देखो इसको क्या कह रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. दिस चाइल्ड मीन्स अपने ही बच्चे को, एक बच्चे को पर्टिकुलर, किसी बच्चे को बता रहा है कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ. क्या है कि यहाँ दोनों फादर और सन में एक जैसे अजनबी होते हैं, अजनबी की तरह, स्ट्रेंजर की तरह. दे आर टॉकिंग लाइक स्ट्रेंजर्स, दे आर बिहेविंग लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज अ गैप बिटवीन देम. I don't understand this child. मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ. दो यद्यपि क्या हुआ, We have lived together now. अब तो हम साथ साथ रह रहे हैं. In the same house for years. कई सालों से एक ही घर में साथ साथ रह रहे हैं. लेकिन साथ साथ रहने के बाद भी हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं. I know nothing of him. मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ. मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि वो बच्चा क्या चाहता है. What he wants and what I want. मैं चाहता हूँ कि वो सोशल इश्यूज, कल्चरल इथोज, पॉलिटिकल मॉरल इथोज की वैल्यू करे. बट नथिंग ऑफ हिम, मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया कि जो हमारी बातों को माने. सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल. इसलिए मैंने उससे संबंध बनाने की कोशिश करी है जब वो बच्चा था, छोटा बच्चा था, तब मेरे उसमें जो रिलेशनशिप थे, मैं ऐसे ही संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ. येट फिर भी, हैव आई किल्ड द सीड, क्या मैंने अपने ही उस मेहनत को बेकार कर दिया. यहाँ पर सीड का अर्थ है हार्ड वर्क. ओके, दूसरा देखो, सेकंड स्टेंजा देखिए. द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, जो बीज मैंने बोया जहां पर भी, यानी जो मेहनत. यहां पर सीड का अर्थ है हार्ड वर्क टू बी डन बाय द फादर. उस बच्चे को पालने में, अपब्रिंगिंग करने में जो मेहनत किया, उस सीड की बात कर रहा है. जो सीड मैंने उस बच्चे को मेहनत करके पाला, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइंड. यहाँ पर लैंड है उसका माइंड, उस बच्चे का माइंड जो है उसका अपना है, मेरा कुछ नहीं रहा. यानी वो अपने दिमाग से काम करता है. मैंने जो मेहनत करके उसको पाला, जिस सांचे में ढालना चाहा, लेकिन नथिंग, नन ऑफ माइंड, मेरा कुछ नहीं है. उसी का अपना दिमाग से काम करता है. His thinkings are totally different and his views, his aspirations are totally different, dreams are totally different. We speak like strangers, line देखो, we speak like strangers, हम अजनबी की तरह बात करते हैं. There is no sign of understanding in the air, हमारे वातावरण में, हमारे चारों ओर या हमारे रिलेशनशिप में कोई समझदारी नहीं दिख रही है. नो अंडरस्टैंडिंग, यानी आपस में नो इंटरलिंक, कुछ नहीं रहे, सब लिंक टूट गए हैं. ऐसा लगता है कि जैसे जो फसल, जो सीड बोया, उसको मैंने ही गलत बो दिया, अब काट रहा हूँ.
द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन. माई डिजाइन का अर्थ है मेरे जैसा ही बना. बच्चा जो है ही रिजेंबल्स मी, रिजेंबल्स हिज फादर, अपने फादर जैसा है. फिर भी क्या हुआ, येट वट ही लव्स आई कांट शेयर, जिस चीज़ से वो प्यार करता है मैं उसको उसके साथ में शामिल नहीं हो सकता. माई थिंकिंग एंड हिज थिंकिंग आर टोटली डिफरेंट, हिज विजन्स, हिज ड्रीम्स, हिज एस्पिरेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम मी. सेकेंड स्टेंजा है, लास्ट के दो स्टेंजा हम आगे बताएंगे. थैंक्स, एक बार इन्हीं को ध्यान करेंगे. ओके, इन द नेक्स्ट